जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्देशित जनपद स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी 2019 का आयोजन बुधवार को राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में किया गया। संगोष्ठी का मुख्य विषय रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी का मानव जीवन पर इसका प्रभाव पर आयोजित किया गया। संगोष्ठी में कक्षा 8वीं से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान प्रत्येक छात्र छात्राओं से टेस्ट एवं व्याख्यान के माध्यम से रासायनिक विज्ञान विषय पर उनकी क्षमता की जाँच की गई। संगोष्ठी के निर्णायक मंडल में गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रधानाचार्य विजय कुमार सिंह, रसायन विज्ञान के प्रवक्ता रमानंद, सेवानिवृत्त प्रवक्ता पीडी दुबे एवं जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नंद प्रसाद यादव मौजूद रहे। संगोष्ठी में प्रथम स्थान राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के कक्षा 9 के छात्र अवितोष सूर्या को, दूसरा स्थान LFS धर्मपुर की कक्षा 9 के छात्रा काव्या राय को मिला। संगोष्ठी प्रभारी ज्ञानेश पांडे ने बताया कि रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी तथा मानव जीवन पर इसका प्रभाव प्रतियोगिता में प्रथम 2 छात्रों को चयनित करके पूरे मंडल स्तर पर वो 2 छात्र प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक ज्ञानेश पांडे, जयदीप सहाय, डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, नेहा श्रीवास्तव, डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव, DP यादव सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगोष्ठी के प्रभारी एवं शिक्षक ज्ञानेश पांडे ने बताया। Organize a science seminar on periodic table of chemical elements and its effect on human welfare. We have got orders from BIAS office and we are organizing this seminar. But it is our tradition to start any program with the worship of Goddess of Wisdom, Ma Saraswati. So in order to proceed, proceed the worshipping of Ma Saraswati. Before proceeding this seminar, I would like to introduce you the rules and regulations of this seminar. In this seminar, from each school, one student can participate. So that question paper will be of 10 marks. And marks have been distributed according to the norms of National Science Education Center, Uttar Pradesh, Prayagraj. BK Singh ji, Ramanand ji, हमारे साथीगण, बहुत बड़ा प्रतिभागी छात्रगण, अभी इसमें आगे प्रांतीय स्तर तक सेमिनार होगा, बच्चों की प्रतिभा उभर के आएगी और हमारे जो बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। मैं ज्ञानेश पांडे, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्देशित विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर में 24 जुलाई 2019 को किया जा रहा है। ये संगोष्ठी जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर महोदय के संयोजकत्व में हम लोग आयोजित करा रहे हैं। उनके आदेशानुसार आज इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। संगोष्ठी का विषय रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तथा मानव जीवन पर इसका प्रभाव है। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक विद्यालय से एक छात्र प्रतिभाग कर सकता है। तो आज प्रतिभागी आए हुए भी हैं और रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चल रहा है। काफ़ी लड़कों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और काफ़ी लड़के रजिस्ट्रेशन करा भी रहे हैं। अब इनमें से प्रथम और द्वितीय स्थान जो बच्चा प्राप्त करेगा वो फिर 8 अगस्त को होने वाली मंडल स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में प्रतिभाग करेगा। और मंडल स्तर पर जो 2 बच्चे प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे फिर वो राज्य स्तर पर इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। फिलहाल जनपद स्तर की जो प्रतियोगिता है, ये जो सेमिनार है, संगोष्ठी है, इसका आयोजन हम लोग करा रहे हैं। आयोजन शुरू हो गया है और इस प्रतियोगिता में हमने 3 निर्णायक जज रखे हुए हैं। प्रथम निर्णायक श्री विजय कुमार सिंह जी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं राजकीय हाई स्कूल गोला गोपालपुर गोरखपुर के। दूसरे जो निर्णायक हैं वो श्री रामानंद जी हैं, प्रवक्ता रसायन विज्ञान मारवाड़ इंटर कॉलेज गोरखपुर के हैं। और तीसरे जो निर्णायक है श्री PD दुबे जी हैं,
बहुत ही प्रख्यात प्रवक्ता रहे हैं गोरखपुर जिले में रसायन विज्ञान के, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के, सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अनुरोध करके हमने उन्हें निर्णायक के रूप में बुलाया हुआ है। तो ये तीन निर्णायक है, निर्णय करेंगे और प्रथम दो छात्रों को चयनित करके फिर मंडल स्तर पर वो दो छात्र प्रतिभाग करेंगे।